महाराष्ट्र में जल्द आएगा लव जिहाद को लेकर कानून। देवेंद्र फडणवीस ने दिए संकेत, कहा बढ़ रहे हैं लव जिहाद के मामले, कानून लाने पर विचार। बीएमसी चुनाव में भाजपा को 151 सीटों पर है नजर, भाजपा नेता आशीष शेलार ने बैठक में दिया बड़ा बयान, ठाकरे को हराने के लिए बनी रणनीति। बीजेपी की कई सालों से मुंबई पर कब्जा करने की इच्छा, नगरपालिका चुनावों पर अजीत पवार की आलोचना। मुंबई घरों में ठाकरे गुट को लेकर सहानुभूति, अजीत पवार का दावा, बीएमसी चुनाव साथ लड़ने को लेकर ठाकरे से चर्चा करने की दी जानकारी। मानसून अधिवेशन में धर्म परिवर्तन को लेकर लाएंगे कानून, लव जिहाद पर कानून को लेकर नीतीश राणे की जानकारी। बीएमसी चुनाव का जल्द होगा ऐलान, भाजपा ने चुनाव की तैयारियां की तेज, फडणवीस ने सागर बंगले पर बुलाए विधायक और सांसदों की बैठक। कोई भ्रम में ना रहे, मोदी शाह के चलते 2024 हारेगी बीजेपी, उद्धव गुट ने सामना में की राहुल गांधी की तारीफ। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुआ रेल हादसा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। लोकसभा और विधानसभा में विधायक सांसद चुन के लाने के लिए भाजपा की रणनीति, भाजपा जल्द जारी करेगी चुनाव प्रमुख, सूत्रों की जानकारी। सांगली में शादी के दौरान हुई आफत की बारिश, हॉल की दीवार ढही, एक की मौत, चार जख्मी। नांदेड़ में अंबेडकर जयंती मनाने से नाराज दबंगों ने दलित युवक को मार डाला, बोले हिम्मत कैसे हुई। माथेरान में कई बंदरों की मौत से सनसनी, जहर देने की आशंका। एलआईसी ने रेल हादसा पीड़ितों के दावों के निस्तारण के लिए नियमों में दी ढील, कई रियायत देने की घोषणा। पार्टी में मेरी क्या भूमिका, तय हो फिर भविष्य कर फैसला, पंकजा मुंडे ने अमित शाह से मांगी वक्त। 5 साल के बच्चे का प्राइवेट पार्ट छूने वाली महिला यूट्यूबर को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने सुनाया फैसला। हम साथ साथ है बीजेपी को हराना, महाविकास अघाड़ी का कॉमन लक्ष्य, नाना पटोले का बड़ा बयान। 5 जून को अंधेरी में सुबह से लेकर शाम तक नहीं आएगा पानी, लोगों से पानी बचाकर इस्तेमाल करने की अपील। सरकार ने लोगों के लिए जोखिम का हवाला देते हुए सिरदर्द, बदन दर्द और खांसी के 14 दवाओं को किया बंद, लिस्ट में शामिल है पैरासीटामोल। विकी सारा की जरा हटके जरा बचके ने पकड़ी रफ्तार, कलेक्शन में बड़ा जंप लेकर आया शनिवार, कमाए लगभग 7.5 करोड़। MTHL के निर्माण लागत में 97 करोड़ की बढ़ोतरी, पर्यवेक्षण के लिए एक सलाहकार नियुक्त। क्या खूब लगती हो डेट पर चलोगी, गहना यौन उत्पीड़न, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। मुंबई में 20 की उम्र में किया मर्डर, 43 साल की उम्र में हो सका गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों से भागना चाहता था विदेश। मुंबई में आज सोने चांदी के दामों में गिरावट, सोना 60,330 रुपए तोला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दिल्ली दौरे पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी करेंगे मुलाकात। शरद पवार के एनसीपी से विधायक भाई शशिकांत शिंदे ने थामा शिंदे गुट का दामन, एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में हुए शामिल।